हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी और नेचुरल सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपको यहाँ तीन तरह की रेमेडी बताऊंगी। इन तीनों में से आप कोई भी रेमेडी यूज कर सकते हैं, जिससे आपके फेस पर जितने भी स्पॉट्स हैं, जितनी से जितनी दाग हैं, या फिर डार्क स्पॉट्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, या फिर पिंपल्स हैं, पिंपल्स के मार्क्स हैं, ये सब कुछ रिमूव होगा। चाहे जितना भी पिंपल्स का स्पॉट्स है, वो भी आपका खत्म होगा। और ये तीनों रेमेडी बहुत ही इजीली आप अपने घर पर ही बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मेरे कहने से अगर आप इसे एक हफ्ते भी लगातार यूज करेंगे तो आप खुद ही इसका रिजल्ट देख पाएंगे। और ये रेमेडी तीनों बहुत ही नेचुरल है, इसे आपको कोई भी हार्म नहीं होगा। और अगर आप इसे मेरे कहने से रेगुलर ट्राई करेंगे, यूज करेंगे, तो आपके फेस का जो कलर है वो इवन होगा, स्किन इवन होगी, और जो भी आपके स्पॉट्स हैं फेस पे या पिंपल्स हैं, वो सब खत्म होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर उन्हें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए जो हमारा पहला पैक है, उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस के डस्ट, गंदगी और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे साफ करता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। हमें सिर्फ ज़रा सी हल्दी डालनी है इसमें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शहद। लास्ट में पेस्ट बनाने के लिए हमें इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। इसकी जगह आप सादे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसमें इतना रोज़ वाटर या पानी ऐड करना है कि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो हमें कुछ इस तरह से इन सबको आपस में मिक्स कर लेना है और ऐसा पेस्ट बना लेना है। हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम वहाँ वहाँ पर लगाएंगे जहाँ जहाँ पर हमें पिंपल की प्रॉब्लम है, या फिर इसे हम अपने पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पैक को मैं अपने फेस पे जहाँ जहाँ पर पिंपल्स है उसे वहाँ वहाँ लगाऊंगी। इसे आप फिंगर की हेल्प से या फिर ईयरबड की हेल्प से लगा सकते हैं। इसे जहाँ जहाँ पर पिंपल्स है उसके ऊपर लगाना है, आपको इसे लगाकर रगड़ना नहीं है। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करती है। इससे जो हमारे पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक सही होती है। और साथ ही ये एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट भी है जो कि हमारे डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करती है। और इसमें जो हमने हल्दी ऐड की है, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे पिंपल्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है। और साथ ही जो हमारे फेस पर पिंपल्स सही होने के बाद धब्बे या मार्क्स रह जाते हैं उसे भी ठीक करता है। और लास्ट में जो हमने इसमें हनी ऐड किया है वो हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और फेस को बहुत अच्छा सा ग्लो देता है। और जो रोज़ वाटर है वो स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। अब इस पेस्ट को लगाने के बाद इसे अच्छे से सुखा लें जिससे ये इधर उधर फैले ना, और फिर रात भर इसे लगा के सो जाएं। और जब सुबह उठें तो नॉर्मल वाटर से अपने फेस को धो लें। और अगर आप इसे दिन में लगा रहे हैं तो इसे कम से कम एक घंटे रखें। सेकेंड रेमेडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है तुलसी की पत्तियाँ। हमें ज़्यादा तुलसी की पत्तियों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 तुलसी की पत्तियाँ लेनी है। और फिर इसे धो लेना है और फिर इसे पीसने के लिए डाल देना है। फिर हम इन पत्तियों को कुछ इस तरह से पीस लेंगे। और हाँ, तुलसी की पत्तियों में मिंट भी होता है जिसकी वजह से हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही पिस जाएंगे अच्छे से। हमने तुलसी की पत्तियों को कुछ इस तरह से पीस लिया है। अब इसे इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमें एक बार यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 पत्तियों की ज़रूरत होगी। तो जैसे आपके फेस पर काले धब्बे, स्पॉट्स हों, या फिर जितने भी आप के फेस पर पिंपल्स हों, उस हिसाब से आप तुलसी की पत्तियों को ले लीजिए। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ी सी हल्दी और फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पेस्ट को मैं अपने फेस पर लगाऊंगी। इसे आपको वहाँ वहाँ पर लगाना है जहाँ जहाँ पर आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम है, या फिर जहाँ जहाँ पर आपके पिंपल्स के स्पॉट रह गए हैं, या आपके फेस पर जो भी धब्बे हैं वहाँ पर आप इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। तो आपको इस तरह से
तुलसी और हल्दी के पेस्ट को अपने फेस पर लगाना है और इसे लगाने के बाद 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को धो लेना है। तो इस तरह से अगर आप इसे एक हफ्ते तक रेगुलर अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पर जो भी दाग धब्बे या पिंपल्स के मार्क्स हैं वो डेफिनेटली रिमूव होंगे, और यहाँ तक कि अगर आपके चिकन पॉक्स के भी धब्बे आपके फेस पर रह गए हैं तो वो भी डेफिनेटली रिमूव होंगे और आपका फेस एकदम इवन टोन और क्लियर हो जाएगा। आपके फेस पर लगेगा ही नहीं कि इससे पहले कभी पिंपल्स या फिर पिंपल की प्रॉब्लम रही होगी। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे मेरी थर्ड रेमेडी है वो बहुत ही इजी और उसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। आपको सिर्फ लेना है एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल लेना है। मैं यहाँ पर पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ, इसे ही यूज़ करूँगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर नेचुरल एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आप यूज़ करते हो, आप उस एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एलोवेरा जेल लेना है। ऐसे ही आपको अपने फिंगर टिप पर एलोवेरा जेल लेना है और जहाँ जहाँ भी आपके फेस पर स्पॉट्स हैं या फिर जहाँ जहाँ भी आपके फेस पर पिंपल्स हैं बस वहाँ आपको इसे अप्लाई कर लेना है। एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मुहासों का कारण बनने वाली बैक्टीरिया को ख़त्म करती है और साथ ही ये हमारे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है जो कि दाग धब्बों को ख़त्म करती है। बस देखा आपने कितना इजी है, बस आपको ये एलोवेरा जेल जहाँ जहाँ भी आपके फेस पर स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, बस वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर लीजिए और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसे ऐसे ही छोड़ देना है। एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा है वो तो आपको पता ही है। तो इस तरह से इसे यूज करने के बाद आपके फेस के जो पिंपल्स हैं, स्पॉट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। पर हाँ, ये जो भी मैंने रेमेडी बताई है ये सारी नेचुरल है, पर साथ ही इसके साथ आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे स्किन पर धीरे धीरे ही वर्क करती हैं, पर जब वर्क करती हैं तो वो पूरी तरह से वर्क करती हैं, यानी कि फिर इसके बाद आपके फेस पर ना ही पिंपल्स के प्रॉब्लम होंगे और ना ही इसके बाद आपके स्पॉट्स जो हैं वो दोबारा आपको दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी तीनों रेमेडी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आपने खुद ही देखा होगा ये कितनी नेचुरल सी रेमेडी है और आप कितनी इजीली इसे अपने घर पर बना सकते हैं। इन तीनों रेमेडी में से जो भी रेमेडी आपको पसंद आया हो या आपको इजी लगी हो उसे आप एक हफ्ते तक लगातार यूज़ करिए और खुद आप इसका रिजल्ट देखेंगे। अगर आप इसे एक हफ्ते यूज़ करेंगे तो इससे आपके पिंपल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, और लगातार अगर आप इसे दो हफ्ते तक यूज़ करते रहेंगे तो आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, और जो आपका स्किन है वो भी इवन हो जाएगा और लगेगा ही नहीं जैसे इसके पहले आपके फेस पर कोई भी दाग या धब्बे थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेमेडी और कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा सबसे पहले, जिससे आप मेरी हर वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले।